गोल आपका, ड्रीम हमारा, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या पास आउट हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप कहीं जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज के और उसके सेंसिटिविटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सबसे रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं, टोटल मैंने 11 से लेकर 14 कंसेप्ट इसमें निकाले हैं और वो सारे कंसेप्ट आपको इस वीडियो में मैं बताया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद, लंबा ज़रूर है वीडियो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप पूरा देख लेते हैं और पूरा समझ जाते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी ऐसे जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, ये पूरी गारंटी आपको मैं देता हूँ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इन सब सब्जेक्ट के सारे वीडियोस आपको डे बाय डे मिलते जाएंगे। और साथ में एक आपको फ्री एग्ज़ाम भी देना होगा ऑनलाइन, वो फ्री है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। साथ में हमने इस वीडियो से पहले दो वीडियो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बनाए हैं, ठीक है। पहला जो वीडियो है हमारा वो है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड इन हिंदी, जिसमें हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग और उसके जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है वो सब करके आपको दिखाया है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमने सेंसिटिविटी के ऊपर एक और वीडियो बनाया है, तो सेंसिटिविटी का भी लिंक में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आई बटन पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं अपने कंसेप्ट का सिलसिला, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला आज का कंसेप्ट है ये है बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन का कंसेप्ट है, लेकिन ये किस में है, डीसी के लिए। तो डीसी के लिए क्या होता है, हमने क्या लिया हुआ, एक व्हीटस्टोन का ब्रिज सर्किट लिया हुआ है जो कि बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड कंडीशन में जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, बैलेंस्ड कंडीशन में जो करंट फ्लो होता है गैल्वेनोमीटर से होके, उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। और इस कंडीशन में जो रेशियो आर्म होते हैं, ठीक है, उनके बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आमने सामने के रेजिस्टेंस है, जैसे कि P है और S है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू आमने सामने के क्या है, Q है और R है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन Q एंड R का। तो बात यहाँ पे समझ में आती है कि अगर बैलेंस्ड ब्रिज का कंडीशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, क्योंकि ये जो है फॉर्मूला इसी से हमने इसको लेके आया है। अब यहाँ से क्या होता है कि जो R है, R इज इक्वल टू P बाई क्यू इन टू एस, ठीक है, ये जो जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूँ ये हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्योरी पार्ट में कवर कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। आपने अगर वो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन आएगा, इस आई बटन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, वैल्यू ले ली, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उसमें क्या किया था कि ये जो पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस, इसकी जगह वैल्यू दे दिया था और क्या पूछा था, आर की वैल्यू निकालने बोला था। तो पी की वैल्यू 10 ले लिया, क्यू की वैल्यू 50 और एस की वैल्यू 100 ओम ले लिया। अब उसको निकालना क्या था, आर की वैल्यू निकालनी थी। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेगा, इस वाले फॉर्मूले से। क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल दिया था कि हमारा जो ब्रिज क्या है वो है बैलेंस है, ठीक है। चाहे आप ब्रिज को बैलेंस बोलो या गैल्वेनोमीटर का जो करंट है उसको जीरो बोल दो या उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको जीरो बोल दो, ये जो ब्रिज है ना ये बैलेंस्ड ही कहलाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन को ही बताती हैं, और उस केस में ये रेजिस्टेंस का जो ये फॉर्मूला हमने बताया ना आपको, यही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ भी घुमा दे, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे दिया, पी की वैल्यू 10 ओम दे दी, क्यू की वैल्यू 50 दे दी और एस की वैल्यू 100 दे दी। तो इसी फॉर्मूले में मैंने रख दिया और सॉल्व कर दिया है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये 10 है, पी क्यू की वैल्यू क्या है, 50 यहाँ रख दी नीचे में, उसके बाद इंटू कर दिया एस से, एस की वैल्यू क्या है, 100। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1000/50 इज इक्वल टू 20 ओम, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में लाइकली है, बन सकते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ठीक है, ये कंसेप्ट बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन का है एसी सिस्टम के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने एसी क्वांटिटीज़ को ले लिया है, ठीक है, Z1 एंगल थीटा 1 और यहाँ पे Z2 एंगल थीटा 2 और यहाँ पे
जेड थ्री एंगल थीटा थ्री और यहाँ पे जेड फोर एंगल थीटा फोर, और बीच में क्या ले लिया है, गैल्वेनोमीटर ले लिया है। क्लियर है? यहाँ पे मैंने ओम नहीं लिखा है लेकिन ओम है, सबकी वैल्यू क्या है, इम्पिडेंस की वैल्यू ओम है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, आप लोगों को ये बताना है कि इस डायग्राम में गलत क्या है। आप 5 सेकंड लीजिए, मैं वेट करता हूँ, आप बताइए। सबने सोच लिया क्या गलती है, ठीक से देखा? ठीक है, तो मैं गलती का आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर है डीसी वोल्टेज, जिन्होंने आंसर बता दिया वो सही है। ठीक है, वो कमेंट कर सकते हैं कि आपने आंसर बता दिया था। तो ये जो डीसी वोल्टेज है ये एसी में नहीं होगा, ये एसी ब्रिज है, इसमें क्या होगा, एसी वोल्टेज होगा। ये यहाँ पे गलत था। इस क्वेश्चन को इस तरह से गलत बताने का मतलब ये है कि जब हम कोई गलत चीज़ पढ़ते हैं ना तो वो हमको याद रह जाती है। मतलब कहीं पर अगर हम गलत हो जाते हैं, हम जैसा सोचते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, वहाँ पर हमारा दिमाग ना एक्टिव हो जाता है ऐसा करने से। तो ये मैंने एक ट्रायल लिया था आप लोगों के लिए। एक और मिस्टेक है इसमें, जब हम क्या ब्रिज की बैलेंस कंडीशन निकाल रहे हैं तो ये जो जेड वन थीटा एंगल वन है, ठीक है, थीटा वन है और एंगल थीटा फोर है, जेड फोर थीटा फोर, ये आपस से मल्टीप्लाई हो गए, ये बात यहाँ तक सही है, बैलेंस ब्रिज की कंडीशन मान रहे हैं यहाँ भी। और जो आमने सामने के हैं जैसे कि जेड टू एंगल थीटा टू और जेड थ्री एंगल थीटा थ्री, तो इनका भी मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो यहाँ पर इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद इनका जो मैग्नीट्यूड था वो मैग्नीट्यूड भी मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गया, फिर मैंने क्या ले लिया, एंगल ले लिया, एंगल को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि पोलर फॉर्म में जब दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो एंगल होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, फिर यहाँ पर भी ऐड हो गए। क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या बोला है यहाँ पर कि जेड टू जो है वो अननोन है, जेड टू क्या है, अननोन है, उसकी वैल्यू हमको निकालनी है एसी में। एसी में क्या रहेगा, आपको जेड वन दिया रहेगा, ये वाला जेड वन दे देगा और जेड थ्री दे देगा, जेड फोर दे देगा, आपको निकालना क्या रहेगा, जेड टू निकालना रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने फिर इसको सॉल्व किया है। तो आपने एसी क्वांटिटीज़ पढ़ा होगा, तो एसी क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग पोलर फॉर्म का जो डिवीज़न है वो करके देखना है। और आपको ये बताना है इसमें, ये आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, कि इसमें क्या गलती है, ये वाला जो सेक्शन है इसमें क्या गलती है, ये बताना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा वीडियो पूरा होने के बाद में। तो यहाँ पर क्या गलती है आपको ये खोजनी है और आपको कमेंट में बताना है, ये आपका टास्क है। ठीक है, आपको सीखने के लिए मिलेगा, इसमें कन्फर्म सीखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, इसी का जो कंसेप्ट है उसको और अच्छे से मैं बताता हूँ। ये देखिए, हमने क्या किया है, कंसेप्ट टू में अल्टरनेट निकाल दिया है जो आसान है, थोड़ा याद करना भी आसान है। हमने क्या किया था, जेड वन जेड फोर का मल्टीप्लाई किया था, तो मैग्नीट्यूड्स को अलग कंपेयर कर दिया है और एंगल्स को अलग से कंपेयर कर दिया है। ठीक है, वो सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत जा रहा था, मतलब शुरू में अगर कोई करता है तो उसको समझ में नहीं आता। अभी यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को मैंने क्या कर दिया, एक मैग्नीट्यूड को अलग से इक्वेट कर दिया और एंगल को अलग से इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो देखिए एंगल में भी क्या है, वन और फोर है, थीटा वन प्लस थीटा फोर इज इक्वल टू थीटा टू प्लस थीटा थ्री, और वैसे ही इम्पिडेंस का जो मैग्नीट्यूड है इसमें क्या दिया है मैंने, जेड वन का मैग्नीट्यूड इंटू जेड फोर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू जेड टू इंटू जेड थ्री। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया था कि जेड वन की जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ है, 50 एट एंगल 10 डिग्री, और जेड टू की वैल्यू दी हुई है 10 एट एंगल 0 डिग्री ओम, फिर जेड थ्री की वैल्यू है 150 एट एंगल माइनस 10 डिग्री ओम। हमको निकालना क्या था, जेड फोर निकालना था। अब इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हमने जेड फोर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। देखिए जेड फोर इक्वल टू जेड टू इंटू जेड थ्री डिवाइडेड बाई जेड वन। तो फिर हमने क्या किया कि जेड टू का जो मैग्नीट्यूड था 10 और जेड थ्री का मैग्नीट्यूड क्या था 150 और जेड वन का मैग्नीट्यूड 50, ये वैल्यू पुट करी और इसका आंसर आ गया 30, क्योंकि 51 जा और 53 जा। ठीक है, और 3 × 10 30 ओम होता है, तो इस तरीके से 30 ओम आ गया। और जो एंगल था उसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया, बहुत आसान हो गया। तो ये वाले फार्मूले में हमारे पास कौन सा एंगल नहीं था, हमको क्या निकालना था, जेड फोर निकालना था, तो थीटा फोर नहीं होगा, तो थीटा फोर इज इक्वल टू क्या कर दिया, थीटा टू प्लस थीटा थ्री माइनस थीटा वन। अब थीटा टू की वैल्यू कहाँ से लूँगा मैं, जेड टू से लूँगा, तो जेड टू का एंगल क्या है 0, तो थीटा टू की वैल्यू क्या रख दी मैंने 0। क्लियर है? फिर थीटा थ्री की वैल्यू रखनी थी तो मैं कहाँ गया, जेड थ्री के पास गया, और जेड थ्री के पास देखा कि थीटा थ्री की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसका जो एंगल है माइनस 10 डिग्री, तो वो भी रख दिया।
फिर माइनस लगाया और माइनस के बाद थीटा वन की वैल्यू देखा, तो थीटा वन की वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो माइनस 10 डिग्री हो गया। फिर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया माइनस 20 डिग्री। फिर इसको कंबाइन फॉर्म में मैंने लिख दिया, जेड फोर इज इक्वल टू 30 एट एंगल माइनस 20 डिग्री ओम। तो ये हमारा क्या हो जाता है कि ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से एसी ब्रिज के बैलेंस कंडीशन को, ठीक है, डरना नहीं इससे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। और जो मैंने बोला है कमेंट करने वो करना है आपको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये अपना कंसेप्ट, दो कंसेप्ट पढ़ लिए हम लोग, कंसेप्ट थ्री है। एक तो होता है कि अपना वन और टू में हमने बैलेंस्ड ब्रिज का कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि अनबैलेंस्ड ब्रिज का भी कंसेप्ट पूछता है। कैसे पूछता है कि देखो, जब अनबैलेंस होगा ब्रिज में, ये बात तो समझते हो आप लोग कि जब बैलेंस्ड होता है तो ये आई जी जो इसमें फ्लो होता है और वी जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन जब ये अनबैलेंस्ड होगा तो यहाँ पर कोई ना कोई करेंट तो होगा, ठीक है, वो जो करंट है वो किसके कारण होगा, वी जी होगा यहाँ पे, मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज तो होगा। तो बस इसी से क्वेश्चन बन जाता है, ये पूछा जाता है कि ये वी जी जो है वोल्टेज है वो कितना है, ठीक है, ये डेटा दे दे देंगे आपको, पी दे देंगे, क्यू दे देंगे, आर एस ई दे देंगे, और क्या बोलेंगे, यहाँ का वोल्टेज निकाल लो। तो उसके लिए मैंने एकदम प्यारा सा डेरिवेशन किया है, वो देख लेंगे हम लोग। पहले हम इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन आता है। देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा में P की वैल्यू दी हुई है, दिख रहा है आपको P की वैल्यू, Q की वैल्यू, R की वैल्यू दी है और S की वैल्यू दी हुई है, साथ में डायग्राम भी दिया हुआ है अपने को, ठीक है। और इसमें DC वोल्टेज है 10 वोल्ट का, फिर 20 ओम, 10 ओम, यहाँ भी 10 ओम, यहाँ 20 ओम, और बीच में जो गैल्वेनोमीटर जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे इन्होंने वोल्टेज मेज़र करने बोल दिया। तो करेंगे क्या, ये इसका डेरिवेशन पहले मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, ए से डी का वोल्टेज हम ले लेते हैं, ए से लेके डी का वोल्टेज ई ए डी, ठीक है, क्योंकि जो करंट यहाँ से जाएगा ई से वो ऐसा यहाँ पे एंटर करेगा तो दो भाग में बट जाएगा, एक ए से ए और सी के बीच में जाएगा और एक करंट कहाँ आएगा, ए से डी में आएगा। तो होगा क्या कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस आर में वो क्या हो जाएगा, सामने तरफ क्या हो जाएगा, पॉइंट ए पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी, क्योंकि ये पैसिव एलिमेंट है और यहाँ पे एंटर कर रहा है करंट, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोलैरिटी, ठीक है। वैसे ही उधर पी की साइड पे आ जाएगा, तो दो वोल्टेज मैंने ले लिए, ई ए सी और ई ए डी विथ पोलैरिटी, और गैल्वेनोमीटर का भी ले लिया क्योंकि करंट को हमेशा ऊपर से नीचे दिखा रहे हैं हम लोग, सी से डी है ना, तो प्लस ऊपर ले लिया और नीचे माइनस में ले लिया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में भी करंट आता है ना, वो भी पैसिव एलिमेंट हो गया। तो होगा क्या कि हम यहाँ पे लगाएंगे केवीएल, यहाँ पे लगा दिए केवीएल लगाएंगे, तो केवीएल लगाएंगे तो हमको पता चलेगा कि ये वोल्टेज कितना आएगा, ठीक है। तो अपन केवीएल लगाते हैं, इस पॉइंट से जाइए आप, ऐसे केवीएल सबको आता होगा लगाना, अगर नहीं आता तो अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए डी पॉइंट से आप जाइए तो पहले क्या दिख रहा है, माइनस, तो मैंने यहाँ माइनस लिख दिया, फिर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, ई ए डी, तो ई ए डी लिख दिया, उसके बाद फिर देखिए प्लस है, प्लस है तो फिर क्या लिख दिया मैंने, प्लस लिख दिया, उसके बाद वोल्टेज क्या है, ई ए सी है, ई ए सी लिख दिया, उसके बाद फिर क्या है, प्लस का साइन है तो फिर प्लस लिखा, उसके बाद फिर क्या है, वी जी है तो वी जी लिख दिया, इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसे मैंने क्या किया, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करके इक्वेशन बना लिया। अब इस इक्वेशन में हमको क्या चाहिए, गैल्वेनोमीटर के क्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो वी जी इज इक्वल टू ई ए डी माइनस ई ए सी रख देते हैं। जब ये रखेंगे तो अब इसकी वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, ई ए डी की और ई ए सी की वैल्यू, तो वोल्टेज डिवीज़न मेथड से हम ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कि ई ए सी क्या होगा, ई ए डी क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो वोल्टेज डिवीज़न में क्या होता है कि मान लो ये जो पी और क्यू है ना, इसके अक्रॉस ही कनेक्टेड है ई वोल्टेज, क्लियर है, और आर और एस के अक्रॉस भी कनेक्टेड है, तो दोनों के अक्रॉस पैरेलल में वोल्टेज क्या है, सेम है, तो ई का वोल्टेज क्या होगा, पी और क्यू में बटेगा, और ई का ही वोल्टेज आर और एस में बटेगा, ठीक है। तो अगर हमको पी के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, जैसे कि वो ई ए सी है, ठीक है, तो ई ए सी अगर हमको निकालना है तो टोटल वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखेंगे पी, और दोनों का सम कर देंगे, उस ब्रांच में जितने कनेक्टेड है ना पी और क्यू दोनों का सम कर देंगे, तो ये निकल आता है, ये वोल्ट में होगा। फिर वैसे ही ई ए डी निकाल लेंगे, तो ई ए डी क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है,
पता है आप लोगों को ई ए डी क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एस हो जाता है, और वोल्टेज की वैल्यू क्या है ई, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है यहाँ से? अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ई ए डी की वैल्यू यहाँ नीचे पे और ई ए सी के नीचे पे रख देंगे, और ई को कॉमन ले लेंगे जो कि वोल्टेज है बैटरी का, उसको बाहर ले लिए। तो यहाँ क्या जाता है, आर बाई आर प्लस एस माइनस पी बाई पी प्लस क्यू, बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है और वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस तरह के क्वेश्चन के लिए। अब आपको करना क्या है, ये जो वैल्यूज़ दी हुई है क्वेश्चन की, पी क्यू आर एस की वैल्यू दी है तो यहाँ रखोगे, और ई की वैल्यू भी दी है 10 वोल्ट वो भी रख दोगे। तो यहाँ पे देखो मैं रख दिया हूँ, तो ये वैल्यू रखने के बाद मेरी वैल्यू आई -3.33 वोल्ट। तो ऑप्शन में ऑप्शन डी करेक्ट था, ऑप्शन डी में क्या है, -3.33 वोल्ट। अच्छा लगा, समझ में आया, ठीक है ना, डाउट हो तो कमेंट करना। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं जो, अच्छा ठीक है, कमेंट से पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा कंसेप्ट टू से रिलेटेड है, ठीक है, ये एसएससी जेई 2018 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ एसी ब्रिजेस। मतलब कि इनमें से जो भी ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ए बी सी और डी, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, जो एसी ब्रिज के बैलेंस्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्लियर है? अभी हमने क्या पढ़ा था, बैलेंस ब्रिज पढ़ा था, जिसमें हमने निकाला था कंडीशन, तो दो फॉर्मूले निकले थे हमारे पास। तो ये फॉर्मूला था Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3, और एंगल में निकला था क्या, θ1 θ4 इक्वल टू θ2 θ3। वापिस से चलते हैं क्वेश्चन के पास, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, देखिए ये सी ऑप्शन तो करेक्ट है भाई। क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन को बता रहे हैं बैलेंस ब्रिज के, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है बट ये रिप्रेजेंटेशन का करेक्ट मेथड, ठीक है। सी और कौन सा ठीक है, ये डी वाला ठीक है, क्लियर है, और ये वाला भी ठीक है, क्योंकि 1 और 3 ब्रांच एक साथ सीरीज में कनेक्ट होते हैं और उनमें जो करंट की वैल्यू हो सेम होती है ना, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जाता, तो I1 = I3 हो जाता है वहाँ से, और I2 = I4 भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है प्लस वाला, ऐसा कहीं हमने फॉर्मूला नहीं देखा है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इसमें क्या लिखा है, इज़ नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, मतलब हमको वो आंसर निकालना है जो करेक्ट नहीं है। तो हमारा जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी Z1 magnitude plus Z4 का magnitude = Z2 का magnitude plus Z3 का magnitude। क्लियर है? इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ कंसेप्ट, ठीक है। हमारा जो फोर्थ कंसेप्ट है वो क्या है, एसी ब्रिज के, ठीक है, एसी ब्रिज नहीं, आप व्हीटस्टोन ब्रिज लिखा है, मतलब डब्ल्यू ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बताया है। तो चौथे में ना हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट को डिस्कस किया है, तो एक नहीं, इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं, 8-9 करीब है मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पे जो पहला जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है ब्रिज इंस्ट्रूमेंट, ब्रिज या फिर इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी से। तो सेंसिटिविटी का भी लेक्चर हमने करवा दिया था, आपने नहीं देखा है तो आप ये आई बटन पर जाके वो सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का लेक्चर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो है SB = θ/ΔR/R, मतलब कि जो कि डिफ्लेक्शन में चेंज हो रहा है ना, सेंसिटिविटी क्या है, चेंज इन डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर डिवाइडेड बाई चेंज इन अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो हमारा कंसेप्ट है सेंसिटिविटी का, ये जो फार्मूला ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये फार्मूला आपको बड़े ध्यान से याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन नेक्स्ट एसएससी में पॉसिबल है, 2019 और 2021 तक पॉसिबल है, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना आपको। ये जो क्वेश्चन है मैंने IES का उठाया है, 92 का, आपको पता ही होगा IES और गेट के कुछ कंसेप्ट्स को तोड़ मरोड़ के SSC JEE में क्वेश्चन बना रहे हैं आजकल, आजकल का यही ट्रेंड चल रहा है। तो ऐसे जो कंसेप्ट्स हैं IES वगैरह से आ सकते हैं, तो जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, तो उस टॉपिक का जो रिलेटेड IES का क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है, जो उस टॉपिक से रेलेवेंट है, तो उस कंसेप्ट को मैं पर्टिकुलर पकड़ के यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराता हूँ। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि एक
मैं पढ़ देता हूँ। अ व्हीटस्टोन ब्रिज रिक्वायर्स अ चेंज ऑफ 6 ओम इन द अननोन आर्म, ठीक है, अननोन आर्म ऑफ द ब्रिज। मतलब कि क्या बोला, चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब डेल्टा आर की वैल्यू क्या दे दी है इसने, 6 ओम दे दिए, क्लियर है। टू प्रोड्यूस अ चेंज इन डिफ्लेक्शन ऑफ 3 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें गलती है, क्लियर पकड़ पाए, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन होता है ना ये थीटा में, थीटा जो होता है एमएम में होता है, किसमें होता है, एमएम में होता है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, ओम में दिया हुआ है, तो ये राइटिंग मिस्टेक है। तो इसका यूनिट क्या ले लेना आप लोग, एमएम में ले लेना, क्लियर है। ऑफ द गैल्वेनोमीटर द सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज और इंस्ट्रूमेंट इज, ब्रिज और इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी क्या होगी, क्लियर है। तो यहाँ पे थीटा डिफ्लेक्शन 3 रख देंगे, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 1/2, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/2। लेकिन यूनिट क्या होगी, देखो थीटा ऊपर में है तो थीटा की यूनिट क्या होती है, एमएम, और चेंज इन रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम में होती है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 एमएम पर ओम। अब देखिए इसका ऑप्शन देखोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। इसके ऑप्शन में देखो, पहला जो ए ऑप्शन है उसमें लिखा है 0.5%, तो परसेंट में तो होती नहीं इसकी वैल्यू। सेकंड जो ऑप्शन है वो है 2.0, तो इसमें भी कोई यूनिट नहीं है, तो ये भी गया। फिर ऑप्शन डी देखिए, सी नहीं डी देखिए, डी में देखिए 2 ओम पर mm लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 ओम पर mm, तो इसका सेंसिटिविटी का यूनिट ओम पर एमएम नहीं होता, तो ये भी गया, ठीक है। तो बचा क्या, सी ऑप्शन बच गया, सी ऑप्शन में क्या है, एमएम पर ओम, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर। अगर आप इसको सॉल्व भी नहीं करते, कॉमन सेंस लगाते, तो भी आपका आंसर आ जाता। तो ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हो जिससे आपसे जल्दी बन जाएगा। वैसे भी एसएससी जेई में 36 सेकंड ही मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए, अगर आप हिसाब लगाओ, 200 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे होते हैं, तो उस हिसाब से आप ये क्वेश्चन बहुत जल्दी क्रिएट कर किया जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन कंसेप्चुअल, ठीक है। तो इसने ले लिया था वीडियो में। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो है 4.2, और इस कंसेप्ट में आपको बताऊँगा कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है, बैलेंस्ड बताया है, ठीक है, ये ब्रिज को क्या बताया, बैलेंस्ड बताया हुआ है, और साथ में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है उसके साथ में टॉलरेंस लिया हुआ है, ठीक है। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे प्लस माइनस 2% हो गया, कोई रेजिस्टेंस है 10 ओम का, उसमें प्लस माइनस 2% दे दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2% निकालेंगे 10 का, क्लियर है। तो 10 का 1% पहले निकाल लो, तो 10 का 1% क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा, मतलब 1/10, मतलब 0.1 क्या हो जाएगा, 10 का 1%, और प्लस माइनस 2% दिया मतलब 0.2। तो जो टॉलरेंस का मतलब होता है कि रेंज बताता है रेजिस्टेंस का, कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू का रेंज क्या है, तो 10+2 मतलब 10.2, और 10-0.2 मतलब 9.8, मतलब उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 9.8 से लेके 10.2 हो गई। तो वैसा ही यहाँ पे टॉलरेंस से अगर दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने उसको ले लिया है, कि पी का वैल्यू दिया हुआ था टॉलरेंस के साथ 10+-2%, और क्यू का भी दिया हुआ है 5+-5%, ये डायग्राम इस टाइप का दे दिया था, और आर की वैल्यू भी दिया हुआ है कि 100+-3% है, और आपको एस पूछ रहा है, ये वाला क्या है आपको पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ बताया है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है उससे आप एस तो निकाल लोगे क्यू आर बाई पी करके, ठीक है। क्यू आर बाई पी क्यों, क्योंकि ऑपोजिट टर्म है, क्यू आर मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो किससे, पी से, बेसिक है। तो मैग्नीट्यूड तो निकल आएगा, लेकिन उसके बाद क्या है आपके पास ऑप्शन में, सब में मैग्नीट्यूड सेम है, देखो सब में 50 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये मैग्नीट्यूड एग्ज़ाम में कैलकुलेट नहीं करना है, एग्ज़ाम में ये मैग्नीट्यूड नहीं निकालते बैठना है, क्योंकि ये तो सेम दिया हुआ है ना। आपको क्या करना है, जो बात के जो परसेंटेज दिए ना वो निकालना है आपको, उससे डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो एग्ज़ाम में। तो क्या करना आप क्या करना कि जितने भी एरर हैं, जितने टॉलरेंस दिए हैं 2%, 5%, 3%, इन सबको जोड़ देना, ठीक है। डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वो सब नहीं सोचना है। एरर है, ये क्या होता है, टॉलरेंस एरर ही होता है, ठीक है। एरर है वो जुड़ेगा ही, दो क्वांटिटी के डिवाइड करने से उनका एरर कम नहीं हो जाता, ठीक है ना, तो उनका एरर हमेशा जुड़ता ही है। तो ये क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देना एक साथ। तो देखो यहाँ 2% जुड़ गया, 5% और 3%, टोटल क्या हो गया आपका 10%। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ना, ये करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है, ऑप्शन डी करेक्ट।
ये लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। अगले कंसेप्ट में चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है ये कंसेप्ट में समझा देता हूँ आपको। इफ़ द ब्रिज इज बैलेंस्ड एंड वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब देखो ये 98 है, मतलब 1998 में पूछा गया था IES में। इसको मैं इंक्लूड इसलिए किया हूँ कि ऐसा कंसेप्ट SSC JEE के किसी भी क्वेश्चन में मैंने नहीं देखा है अभी तक, तो मुझे लगता है कि ये जो है इस टाइप से क्वेश्चन बना के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है अगले आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि SSC का ट्रेंड यही है कि वो IES से लेता है क्वेश्चन। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि इफ़ द ब्रिज इज़ बैलेंस्ड वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर देन देयर विल बी नो इफेक्ट इन द सर्किट करंट। मतलब ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो क्या है, R6 है, ठीक है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का वो है R6, और जो करंट की वैल्यू है, ठीक है, करंट की वैल्यू I1, ये सर्किट करंट की वैल्यू है I1, और गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू दे दी है I2 आपको दे दी है, क्लियर है। अब इसमें क्या बोलता है कि इफ़ इन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है मेरा, बैलेंस्ड है, तो अगर R6 की वैल्यू को बढ़ाया जाए, तो R6 क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, R6 की वैल्यू को अगर बढ़ाया जाता है तो हमारा जो करंट I2 है, I2 कौन सा करंट है भाई, IG है एक्चुअल में, गैल्वेनोमीटर में जो फ्लो हो रहा है करंट I2 वो है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब R6 को बढ़ा रहे हैं तो I2 क्या होगा, बढ़ेगा, कम होगा, या कांस्टेंट रहेगा, या कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ये जो R5 है जो सर्किट के बाहर जो कनेक्टेड है उस पर डिपेंड करेगा, ऐसा कह रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, तो आप लोग, कुछ लोगों को पता होगा, गैस कर लिए होंगे आंसर क्या है, तो जिन लोग सही गैस किए हैं वो कमेंट में लिखना कि आपने सही गैस किया था, और मैं भी आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें जो पहला जो कंसेप्ट है हमको दिख रहा है, ये इन्होंने शुरू में लिख दिया है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, हमेशा जो गैल्वेनोमीटर का जो करंट होता है वो जीरो होता है। अब आप गैल्वेनोमीटर में जो करंट आ रहा है वो तो जीरो आ रहा है, अब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाओ घटाओ या उस रेजिस्टेंस को भी जीरो कर दो, ये करंट बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, क्योंकि उस ब्रांच में गैल्वेनोमीटर की जो ब्रांच है ये वाली ब्रांच, ठीक है, इसमें तो करंट आ ही नहीं रहा है ना, आप तो ओपन हो गया। अगर आपके पास वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, या वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ तो आ नहीं रहा, क्योंकि ब्रिज बैलेंस है, क्लियर है। इसलिए क्या होगा कि अगर R6 की वैल्यू को आप बढ़ाओगे घटाओगे तो भी क्या होगा, I2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसका आंसर हो जाता है विल रिमेन अनचेंज्ड, I2 करंट विल रिमेन अनचेंज्ड। इस तरह से ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन और कंसेप्ट भी दिया हुआ है, पहले मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए उसी टाइप का यहाँ भी अरेंजमेंट लिया हुआ है हमने, यहाँ पर चेंजेस क्या किए हैं कि अ ब्रिज इज गिवन, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, अ ब्रिज इज गिवन इफ द रेजिस्टेंस R5, अब यहाँ पे R5 को बढ़ा रहे हैं, इफ द रेजिस्टेंस R5 इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 kΩ टू 2.5 kΩ। वैल्यू को तो ध्यान ही मत दो, ये क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है, आपको समझना क्या है, कंसेप्ट समझने हैं, ठीक है, वैल्यू को ध्यान मत दो, बस ये देखो बढ़ा रहे कि घटा रहे। R5 को क्या किया अपन, बढ़ा रहे हैं। R5 कौन सा रेजिस्टेंस है, सॉरी ये R5 नहीं है, ये RS है, RS इसको बोलते हैं सोर्स रेजिस्टेंस या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, क्लियर है। तो अब ये कहाँ पे है, देखो भाई ये है अपना बाहर पे, क्लियर है, ये कहाँ है, बाहर पे, मतलब आउटर सर्किट पर है, ये इनमें से किसी आर्म पर नहीं है, ठीक है, ये जो चार आर्म है इस पर नहीं है। अब इसमें बैलेंस ब्रिज की कंडीशन बोला तो नहीं है, लेकिन हम चेक तो कर सकते हैं, तो अपन चेक कर लेते हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे, ये जो 1 kΩ है और इसके अपोजिट में जो है 4 kΩ है, तो 1 × 4 कितना हो गया, 4 kΩ हो गया, क्लियर है। फिर ये 2 kΩ और इसके सामने क्या है, 2 kΩ, तो 2 × 2 ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, मतलब कि दोनों क्या है, सेम है, सेम है, इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस ब्रिज है,
तो हमने चेक कर लिया बैलेंस ब्रिज है। तो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में जो करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो हो रहा है, जो यहाँ पे सेंटर में ब्रांच में फ्लो होगा, उसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी बाहर वाले किसी रेजिस्टेंस पर। हाँ, अगर आर्म के किसी रेजिस्टेंस को आप चेंज कर लेते हो, जैसे कि 2 किलो ओम को मान लो मैं चेंज कर दिया, तब यहाँ पे अनबैलेंस हो जाएगा ब्रिज और ये I2 की वैल्यू कुछ इफेक्ट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो ब्रिज बैलेंस ही है। अगर आप सोर्स रेजिस्टेंस को बदलते हो तो उससे ये ब्रिज का बैलेंस ख़राब नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है ये चार जो आर्म रेजिस्टेंस है इन पर। जब तक ये अफेक्ट नहीं होंगे तब तक आपका जो ब्रिज है वो अनबैलेंस नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी नॉट चेंज, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आप समझ गए ना कंसेप्ट क्या था 4.4, कि अगर बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन है तो उस कंडीशन में अगर आप बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करते हो, बढ़ाते हो या घटाते हो, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाले करंट पर, क्योंकि वो तो वैसे भी जीरो है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, ये आप नोट कर लेना, ठीक है, काम आएगा आपको। अगला कंसेप्ट है, ठीक है, अगला हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है और कंसेप्ट है हमारा 4.5। ठीक है, कितने कंसेप्ट बता दिए मैंने आपको, पहले तीन बता दिए, तीन और पाँच, ये आठवां कंसेप्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये अपना टोटली थ्योरी से है, ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिसाइड द एक्यूरेसी इन अ ब्रिज मेजरमेंट। ब्रिज टाइप मेजरमेंट में, ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं, ये जो चार फैक्टर दिए हैं इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि एक्यूरेसी को बताते हैं, मेजरमेंट की एक्यूरेसी को बताते हैं। मान लो आप व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ कर रहे हो और मेजरमेंट कर रहे हो रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में कितनी एक्यूरेसी आएगी, उसका ये जो चार फैक्टर हैं, क्या ये चार फैक्टर उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, ये देखना है। और उसके बाद ऑप्शन है कि कौन कौन सा सही से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो ये कोड है, उसको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है एक्यूरेसी ऑफ नल इंडिकेटर। नल इंडिकेटर मतलब ये होता है कि जो अपना गैल्वेनोमीटर है ना व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो उसमें नल मतलब जीरो, तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है, ठीक है, तो उस पॉइंटर में क्या आना चाहिए, जीरो। तो जब भी हमको मेजरमेंट लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर को पहले जीरो में सेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे सेट करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करके। क्लियर है, किसकी आर्म रेजिस्टेंस में जो वेरिएबल रेजिस्टर होता है एस, उसकी वैल्यू को चेंज करके क्या करते हैं कि नल बैलेंस करते हैं, मतलब जीरो में लेके आते हैं करंट की वैल्यू को। फिर सेकंड हमारा स्टेटमेंट है कि एक्यूरेसी ऑफ द ब्रिज कंपोनेंट, कि जो मेजरमेंट में एक्यूरेसी आएगी उससे रिलेटेड है क्या एक्यूरेसी ऑफ ब्रिज कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये भी पढ़ लिए। तीसरा जो है वो है सेंसिटिविटी ऑफ द नल इंडिकेटर, कि जो नल इंडिकेटर है, जैसे अपना गैल्वेनोमीटर है व्हीटस्टोन में, वो भी क्या एक नल इंडिकेटर है, जीरो दिखाता है, तो उसकी सेंसिटिविटी अगर कम ज़्यादा होगी तो क्या ये एक्यूरेसी की वैल्यू भी कम ज़्यादा होगी। ठीक है, एक्यूरेसी कम ज़्यादा होगा मेजरमेंट में, तो इस बात को बताना है। चौथा है अप्लाइड वोल्टेज टू द ब्रिज सिस्टम। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या उसकी वैल्यू पे या उसकी कारण जो एक्यूरेसी है ब्रिज मेजरमेंट की वो अफेक्ट होगी। तो अब इसमें देखो कंसेप्ट मैंने लिखा है, क्वेश्चन को मैंने कंसेप्ट के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि ये एक्चुअल में है ही एक कंसेप्ट। तो देखो इसमें से ना जो तीन पॉइंट है ऊपर के, जो एक्यूरेसी वाली जो पॉइंट बता रहा है यहाँ पे कि एक्यूरेसी ऑफ द नल इंडिकेटर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, नल इंडिकेटर की एक्यूरेसी से कोई लेना देना ही नहीं होता। क्या होता है कि उसकी जो सेंसिटिविटी होती है ना गैल्वेनोमीटर की या नल इंडिकेटर की, ये बस अच्छी होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा अच्छी है तभी आपका जो मेजरमेंट है वो अच्छा आएगा। तो नल इंडिकेटर या गैल्वेनोमीटर जब यूज़ करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी ध्यान नहीं देते, उसमें क्या है उसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट आएगा। क्लियर है, तो सेंसिटिविटी पर पूरा फोकस होता है। बाकी सब ये चौथा भी अप्लाइड वोल्टेज सब है ना। और एक और इसमें पॉइंट है, ठीक है, तीसरा तो होता ही है सेंसिटिविटी, एक और पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है कि इसमें जो ब्रिज कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे देखिए जो ब्रिज कंपोनेंट्स है ना, एक्यूरेसी ऑफ द ब्रिज कंपोनेंट्स, मतलब जैसे कि R है, L है, ठीक है, C है,
इस टाइप से जो कंपोनेंट होते हैं ना उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। ये मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया था, ठीक है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसकी भी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब ब्रिज का बैलेंस होता है और अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये सब टर्म आते हैं ना, जैसे कि आर इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ता है अपने को, आर इज इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू एस लिखते हैं, तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारा जो रेशियो है पी और क्यू का, ठीक है, तो ये पी जो है और क्यू है एस है, ये एक्यूरेट होने चाहिए ना। ये पैरामीटर, पैरामीटर मतलब रजिस्टर ही है, ये सर्किट के पैरामीटर है, तो ये क्या होनी चाहिए? एक्यूरेट होने चाहिए, तभी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्यूरेट आएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा जो दो ऑप्शन है ना, ऑप्शन टू और ऑप्शन थ्री, ये दोनों करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन लिया हुआ है हमने, वो ये लिया हुआ है कि वॉट शुड बी द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नल डिटेक्टर इन अ ब्रिज मेजरमेंट, कि ब्रिज मेजरमेंट में जो नल डिटेक्टर है लाइक गैल्वेनोमीटर है तो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जैसे आपको पता है कि करंट के प्रेजेंस को चेक करता है, ठीक है, उसमें कोई रीडिंग लेते हैं क्या? नहीं लेते, उसमें बस ये देखते हैं कि जीरो पे सेट होना चाहिए। अगर वो जीरो से डिफ्लेक्ट हो गया है, नल पर नहीं है, मतलब जीरो वैल्यू पर नहीं है उसका कांटा, तो वो उसको जीरो पर लाया जाता है, उसमें कोई भी वैल्यू की मेजरमेंट नहीं की जाती, तो रिजोल्यूशन का यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं निकलता, तो ये क्रॉस हो गया। फिर यहाँ पर एक्यूरेसी, उसकी एक्यूरेसी से तो लेना देना ही नहीं है। फिर प्रिसीजन, वो भी मायने नहीं रखता, तो सिर्फ यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सेंसिटिविटी। तो ये भी क्या एक कंसेप्ट बन जाता है, ये IES 2006 का क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैंने अभी जो सेंसिटिविटी का जो लेक्चर दिया था तो उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया कि ये भी SSC JEE की आने वाले एग्जाम में पॉसिबल है पूछना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन उसने अभी तक पूछा नहीं है। ठीक है, तो कुछ अलग पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है, और ये IES में आया हुआ भी है तो वहाँ से ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट इंक्लूड किया। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा एक नया कंसेप्ट दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या बताता है कि द एक्यूरेसी ऑफ ए नल इंडिकेटर डज नॉट प्ले एनी रोल इन ब्रिज मेजरमेंट। यही हम पढ़ते आ रहे हैं कि IS 2007 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल दिया कि जो एक्यूरेसी है नल डिटेक्टर की, मान लो नल डिटेक्टर क्या है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज में, गैल्वेनोमीटर है, तो जो गैल्वेनोमीटर की जो एक्यूरेसी है, ठीक है, ब्रिज मेजरमेंट में, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज में, इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इससे जो रेजिस्टेंस का अगर मेजरमेंट कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो अगर गैल्वेनोमीटर की एक्यूरेसी कम भी है तो भी उसका जो इफेक्ट है वो इस रेजिस्टेंस के मेजरमेंट पर नहीं पड़ेगा। ये कंसेप्ट है एक्चुअल में, क्लियर है? क्यों नहीं पड़ेगा वो तो मैं बता चुका हूँ आपको, यहाँ लिखा भी है, अंडर बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द ब्रिज नो करेंट फ्लोज थ्रू द ब्रिज। ठीक है, बैलेंस्ड कंडीशन में ब्रिज के थ्रू कोई भी फ्लो नहीं होता करेंट, तो जो रेजिस्टेंस की मेजरमेंट होगी तो उसमें कोई एरर आएगा नहीं, क्लियर है? अब लास्ट जो हमारा ये कंसेप्ट यहाँ पे बन जाता है 4.8 का, इसमें मैंने क्या किया है, दो टाइप हमने पढ़ा था, एक डिफ्लेक्शन टाइप पढ़ा था जिसमें अपने डायनेमोमीटर है, MI इंस्ट्रूमेंट है, PMMC है, उनकी जो कैटेगरी डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की है, और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इन दोनों में क्या है, नल टाइप कहाँ यूज़ हो रहा है, ब्रिज के अंदर में, AC ब्रिजेस सब जगह नल यूज़ हुआ है, और व्हीटस्टोन ब्रिज में भी नल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं हम लोग, नल डिफ्लेक्शन है ना, नल, ये वाला नल डिटेक्टर यूज़ किए हैं, जैसे कि गैल्वेनोमीटर क्या एक नल डिटेक्टर है, या करंट सेंसिंग मीटर वगैरह यूज़ करेंगे, और ये डिफ्लेक्शन टाइप में हम एक्चुअल रीडिंग लेते हैं, वैल्यू लेते हैं उसमें। ठीक है, तो इनके भी चार मैंने ये डिफरेंस निकाले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम में, अभी तक आए नहीं है तो कुछ नया पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कई बार नए क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, पहला जो है इसमें एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा होगी, तो ब्रिज वाले की ज़्यादा होगी, ब्रिज वाला मतलब नल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, और डिफ्लेक्शन टाइप की जो एक्यूरेसी है वो कम होगी। सेंसिटिविटी भी जो नल टाइप है उसकी ज़्यादा होगी और डिफ्लेक्शन टाइप वाले की कम होगी। प्रिफरेंस अंडर डायनेमिक कंडीशन, अगर हमारा जो मेजरमेंट कंडीशन है वहाँ डायनेमिक्स है, मतलब कि मूवमेंट्स है, ठीक है, उस वाले प्लेस में या उस वाली जगह पे क्या है, मूवमेंट्स है, डायनेमिक्स है, तो डायनेमिक्स के कारण अगर डायनेमिक्स वाली जगह पे उस कंडीशन में अगर हमको मेजरमेंट करना है तो कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट को प्रिफर करेंगे,
नल टाइप को प्रीफर करेंगे या डिफ्लेक्शन टाइप को? तो हम सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन को प्रीफर करेंगे, कहाँ पे? जहाँ पर डायनेमिक कंडीशन है, और ब्रिज वाले को वहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वो कभी बैलेंस में ही नहीं आएगा, तो मेज़रमेंट लेना बहुत दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे। रिस्पॉन्स टाइम भी किसका जल्दी किसका मिलता है? डिफ्लेक्शन टाइप में, ठीक है, पॉइंटर मूव करता है और वैल्यू पे रुक जाता है, डायरेक्ट हम लोग रीड कर लेते हैं। लेकिन नल टाइप का, उसमें क्या करना पड़ता है, हमको बैलेंस लाना पड़ता है, मतलब वो करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, तो उसको अपने को सेट कर लाना ही पड़ता है ना, रेजिस्टेंस को धीरे धीरे वैरी करना पड़ता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली, और साथ में जो गैल्वेनोमीटर है उसमें जो करंट जा रहा है, मतलब उसका जो डिफ्लेक्शन है, उसको देखते रहना पड़ता है और उसको फिर सेट करना पड़ता है। जब जीरो पे आता है तब हम सबकी वैल्यू देखते हैं, आर एस पी क्यू, तो आर की वैल्यू वहाँ से निकाल लेते हैं पी क्यू एस की वैल्यू को रख के। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4.7 और 4.8, मतलब 8 ये और 3, 11 कंसेप्ट आपको मैंने बता दिए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। आप देख लेना, इसी में से क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक का, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत ईजी थे तो मैंने वो भी इंक्लूड कर दिए। जेई 2017 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि अगर ब्रिज बैलेंस है, ठीक है, आप लोग ट्राई करना इसको बनाने का, मैंने पढ़ा दिया आपको, बन जाएगा। व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड द गैल्वेनोमीटर रीड्स जीरो करंट मैक्सिमम करंट जीरो वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज, क्या होगा? जी हाँ, क्या होगा? जीरो करंट। आंसर इज जीरो करंट, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो वैल्यू क्या सेट करती है उसमें? जीरो, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? जीरो। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विथ व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड? तो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से क्या फाइंड करते हैं? करंट फाइंड करते हैं क्या? नहीं। वोल्टेज? नहीं। पावर? नहीं। तो क्या फाइंड करते हैं? रेजिस्टेंस। तो ये एसएससी जेई के क्वेश्चन थे, तो यही मैं बोल रहा हूँ, इतने आसान क्वेश्चन अगर एसएससी जेई में आ चुके हैं 17-18 में, तो मुझे लगता है कि थोड़ा चेंज तो आएगा, वही क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं। तो मेरे हिसाब से आप ये जो 11 कंसेप्ट मैंने बताए हैं उसको अच्छे से करिए। फिर देखिए एक और क्वेश्चन है एसएससी जेई 2017 का ही। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इन द सर्किट शोन द वेरिएबल आर्म ऑफ द ब्रिजेस। अब इसमें वेरिएबल आर्म खोजना है, तो वेरिएबल आर्म में ये एरो होता है, इस टाइप का एरो दिया जाता है, ठीक है। तो ये एसएससी जेई 2017 का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग किया लेकिन वही पूछा है। तो ये वेरिएबल आर्म हो गया, और इसमें से ऑप्शन में देख लो R3 क्या है, वेरिएबल आर्म है। देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं कि रटने की कोशिश करते हैं, R1 R2 यहाँ पे था, R3 यहाँ था, R4 यहाँ था, तो इस टाइप से रटना नहीं, डेरिवेशन सीख लो, मैंने वीडियो दे दिया है, ठीक है, आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाने पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, तो आप ये सब अच्छे से देख लो, उसमें सीख जाओ, ये रटना नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जेई 2018 का है, और इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज मोस्ट सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मेजर हेज ब्रिज किसके लिए होता है? हाई क्यू वैल्यू के मेजरमेंट के लिए होता है इंडक्टेंस में, एंडरसन लो वैल्यू के लिए होता है इंडक्टेंस के, वेन्स ब्रिज फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज किसके लिए होता है? रेजिस्टेंस मेजरमेंट के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। बहुत आसान क्वेश्चन आए थे 2018 में भी, तो आसान आते हैं तो बन ही जाएंगे, लेकिन टफ आए तो कुछ लोगों से बनेंगे और बाकी लोगों से नहीं बनेंगे, तो जो कुछ लोगों से बनेंगे उन्हीं की नौकरी लगेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। एक और लास्ट जो प्रॉब्लम है वो ले लेते हैं, ठीक है। ये हमको क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमको व्हीटस्टोन ब्रिज दिया है, ठीक है। तो ये जो वायर है ना, ये जो वायर, इसको नहीं है समझ लो, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर है वो इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये रेजिस्टेंस वगैरह ऐसे कनेक्टेड है, और ये वोल्टेज ऐसा कनेक्टेड है। गेट 2006 का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको इसमें ये पता करना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, सिर्फ इसमें ये पढ़ने लायक है, बैलेंस्ड कंडीशन में ब्रिज है हमारा, इतने से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा करेक्ट है, क्लियर है। तो आप क्या करोगे, ये वाला रेजिस्टेंस उठाओगे R1, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे R4 से, ये कर दिया हमने। फिर क्या करोगे, ये R2 रेजिस्टेंस उठाओगे और ये R3 रेजिस्टेंस उठाओगे, दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर क्या निकालोगे, इसमें से देख लो सब में क्या किया है, R1 फाइंड किया है, तो आप भी R1 फाइंड कर दो। तो जैसे ही आप R1 फाइंड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, R2 into R3 / R4। तो इस तरीके का क्वेश्चन 2006 गेट में आया था, तो आप समझ लो कि कितना आसान हो गया है टॉपिक पढ़ने के बाद। जितने भी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में सब आप देख लेना,
आपको फ़ायदा ही होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। जो भी कंसेप्ट है बहुत ऑथेंटिक है, कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जितने भी क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, और साथ में इस वीडियो के बाद, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। ठीक है, वो लिंक ओपन टेस्ट का है। ठीक है, वो लिंक आप दबाइए। ठीक है, वो लिंक दबाइए तो आप एक ऑनलाइन टेस्ट में चले जाएंगे, और ऑनलाइन टेस्ट में जाके लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद वो टेस्ट अटेम्प्ट करिए। तो वो जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो वो प्रैक्टिस टाइप का होगा। प्रैक्टिस टाइप मतलब कि हर क्वेश्चन को जैसे ही आप टिक करोगे तो उसका आंसर आप देख सकते हो। आप करके देखना। तो मैंने कुछ अपने से क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं इस टॉपिक के ऊपर। जैसे मेरे 3 वीडियो आए थे, एक था इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, और उसके बाद ये व्हीटस्टोन जब मैं चालू किया, तो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड मैंने कराया हिंदी में, और उसके बाद मैंने दिया सेंसिटिविटी, और उसके बाद आज का जो प्रॉब्लम मैंने कराया है ये है प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें 11 कंसेप्ट जो मैंने बताया, और एसएससी जेई के कुछ क्वेश्चन, तो इन सब से मिलता जुलता कंसेप्ट से कुछ क्वेश्चन मैंने भी डिज़ाइन किए हैं, और वो सब क्वेश्चन का कलेक्शन उसमें है, उस लिंक में। तो आप जाके वो टेस्ट दे दीजिए, और जो लॉगिन पहले से कर रखे हैं, जो रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं, फ्री है सब कुछ, तो वो डायरेक्ट जाके दे सकते हैं और अपना रैंक चेक कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, और ये 12 बजे के बाद ऑन हो जाएगा, मतलब आज जो 12 बजे, आज मतलब कि 28 अप्रैल, कितना, 28 अप्रैल 28th अप्रैल 12 बजे के बाद में कभी भी दिया जा सकता है। सॉरी, ये 12 PM है, मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद कभी भी दिया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत पे अगर आपको लगता है कि एक लाइक बनता है इस वीडियो पे, तो आप लाइक कर दीजिए, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल के हर सब्जेक्ट का, लगभग हर सब्जेक्ट का वीडियोज़ में डालता जाऊँगा, तो उसके अपडेट आपको ऐसे ही मिलते जाएंगे। और सब कुछ फ्री है, ऑनलाइन टेस्ट भी फ्री होगा और वीडियो लेक्चर भी फ्री है, तो आपको तैयारी करने में मज़ा आएगा। और यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो भी बीच बीच में उसके वीडियो बनेंगे, तो सब्सक्राइब करिए, और अपने जैसे दोस्तों के साथ उनका भी शेयर करिए इन सब वीडियोज़ को। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।